कि सब नेताओं का अपना अपना ऊर्जा होती है, उत्साह होता है, और उन्होंने ये प्रयास किया है सिंधिया जी ने बताने का कि सरकार के अलावा सरकार के साथ जुड़े जो लोग हैं, जो नेता हैं, सभी लोग वचन पत्र के लिए मतलब संकल्पित हैं और उन्होंने सरकार को ध्यान दिलाने का प्रयास किया है जल्दी हो, क्योंकि वचन पत्र में किसी एक का वर्ग या एक समाज को लेके नहीं है, वचन पत्र तो सारे वर्गों को लेके बनाया गया है, पूरे मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को वचन पत्र बनाया गया है। तो निस्संदेह सारे चीज़ों वचन पत्र का काम करने में पालन करने में ऐसा कोई उसका समय का निर्धारण हम नहीं कर सकते, ये वचन पत्र बना 5 साल में। तो जो भी नेता अगर ऐसा कुछ बोलते हैं, कुछ अति उत्साह में बोलते भी हैं, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए वचन पत्र को 1 साल का नहीं है, वचन पत्र 5 साल का है और हजारों लोगों की भावनाओं को सजोड़ा गया है, तो सबके भावनाओं का सम्मान करने में वचन पत्र निभाने में कम से कम 5 साल लग सकता है। तो जो प्राथमिकता के आधार पर जो हो रहा है, बहुत सारे आपने देखा कर्मचारियों के हित में काम किया गया, किसानों के हित में काम किया गया और पेंशनरों के हित में काम किया गया और लगातार प्रयास हो रहा है, तो इस तरह से प्राथमिकता के आधार पर सब काम हो रहा है। लेकिन साफ साफ कहना यही है कि वचन पत्र 5 साल का है, कोई 1 साल या 1 दिन का नहीं है।